हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो क्विज वन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन पे बेस्ड है। ये क्विज वन मैंने आपके लिए अभी जो मैथ्स की दी हुई है आप लोग ऑलरेडी दे चुके होंगे आई थिंक, और अगर नहीं दिए तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इसके सॉल्यूशन के पहले क्विज जरूर दीजिए। और अब ये आपको रेगुलर मिलेंगी। इन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपको अभी आने वाला एग्जाम है जेई मेन्स का, जेई एडवांस का, बिट सेट का, निम सेट का, इन सभी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होगा जिससे आपकी कहीं ना कहीं अप्रोच डेवलप होगी। किस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक क्या होता है। जब मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर फाउंडेशन स्ट्रांग करके करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, और आप डेफिनेटली इसके सॉल्यूशन के साथ ये फील करेंगे कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपकी कितनी भी गाइड सॉल्व कर लें आपका कोई अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपने बेसिक्स फाउंडेशन को क्लियर करें, फिर हमको ये डिसीजन लेना आना चाहिए पेपर देख के कि कौन से क्वेश्चन पहले, कौन से क्वेश्चन बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेगा, किस क्वेश्चन में कहां ट्रिक्स लग सकती है, कौन से क्वेश्चन लॉजिक से, कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से, किस तरह से होंगे। ये सारी चीजें आपको रेगुलर मिलेंगी क्योंकि मैं एक नहीं कई सारी क्विज आपको लेने वाला हूं और इनके सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि क्या करना है। तो अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं और बाय चांस आपने ये क्विज नहीं दिए तो सबसे पहले आप ये क्विज दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट में, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, तो जब ये पहले क्विज है इसमें मैंने ज्यादा टाइम दिया है, बाद में इसके टाइम जो क्विज के हैं वो कम करता जाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन वन वन एंड हाफ मिनट में कंप्लीट करना है, तो वही टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम दिया है तो अगर आपने नहीं दिए तो इसको तुरंत दीजिए। और देने के लिए क्या करना होगा मैं बता दूं, अगर आपने अब तक नहीं दिए तो सबसे पहले आपको impetusgurukul.com पे जाना है, और या फिर live.impetusgurukul.com पे जाना है। वहां पर जैसे ही आप जाएंगे live.impetusgurukul पे तो आपको क्विज दिखेगा वहां पर। मैथ्स जेई वाले बच्चे हो तो आप जेई की दिखेगी, आप एमसीए वाले हैं तो एमसीए की दिखेगी। जिस भी आपको एग्जाम देने वाले हैं उस कोर्स की आप सबसे पहले क्विज दीजिए। अगर आप बिट सेट देने वाले हैं तो भी आपको जेई वाले, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस काफी हेल्प करेंगे, तो आप जब वहां पर जाएंगे तो ये दे सकते हैं। ये हुआ लैपटॉप डेस्कटॉप का। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल पर देना चाहें तो उसके लिए आप impetusgurukul ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर दीजिए। और जब एक बार आप खुद दे दें पेपर, फिर जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अगर आइडिया क्लिक कर जाता तो हम शायद क्वेश्चन जल्दी कर सकते थे। तो आप ट्राई करिए कि अच्छा स्कोर करें इसमें, जिससे कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी एक आपका अच्छा स्कोर हो। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर वन अगर हम देखें और समझें तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला, देखिए, इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम आर टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। आपसे आर स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ये दिए हुए आपको, एक है फोर, एक है टू, एक है रूट टू और एक है एट। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम समझें तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाला, फोर एक्स दिया हुआ है। लेटर सेक्टम मतलब लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सेस। यहां से मान लीजिए आपने एक नॉर्मल ली, ये जो नॉर्मल है वो इस सर्कल की टेंजेंट है। देखिए क्या बोला, इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम आर टेंजेंट टू द सर्कल। तो अगर ये मान लीजिए सर्कल की टेंजेंट हो तो आपको ये बताना है कि आर का वैल्यू क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको ना भी पता हो तो मैंने आपको एक चीज बोली हुई है, आप डिफरेंशिएशन यूज करिए, बेटर है। पहले तो नॉर्मल के एंड के लेटर सेक्टम एंड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वन कॉमा टू, क्योंकि आपको पता है ए कॉमा टू है, ए का वैल्यू यहां पर वन है, तो वन टू से जाने वाली आपको नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है। तो अब वन टू से जाने वाली नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो इस सिंपली आप डिफ्रेंशिएट करिए, टू बाय डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू फोर, इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स है फोर अपॉन टू वाई स्टेप, कम से कम लिखिए तो वन। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इसको बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन से। मैं आपको थोड़ा बेसिक भी बताता चलूंगा, तो इक्वेशन हो गई वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, देन वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, फाइनली एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। राइट अलग से अगर हम डायग्राम बना लें तो टेंजेंट की इक्वेशन ये x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो,
सेंटर 2, 3, 2 से अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये रेडियस के इक्वल होगा। तो आर क्या हो गया, 3 + 2 - 3/√2 यानी रूट टू। देखिए एक ऑप्शन रूट टू भी दिया पर रूट टू ना लगा दें आप। अब क्या होगा, आर स्क्वायर पूछा है तो आर स्क्वायर इक्वल टू टू, टू इज अ राइट आंसर। राइट, नोट कर लीजिए। इसमें सारे क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा होगा कि जो आपके इंप्रूव स्कोर में डेफिनेटली स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्किप किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा होगा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो हमें यह भी डिसाइड करना है कि पहले कौन सा क्विज में भी आप देते समय ध्यान रखिएगा कि पहले सारे क्वेश्चन देखिए फिर वो करिए जो सबसे पहले आप कम टाइम में कर सकते हैं। तो पहले मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा फिर इसको एंड में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट ट्राइंगल पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल, लेट ए वैक्टर इक्वल टू क्यू आर, ए जो है वो क्यू आर है, बी जो है वो आर पी है एंड सी वैक्टर इक्वल टू पी क्यू है इफ मॉड ए इक्वल टू 12, मॉड बी इक्वल टू 4√3, बी डॉट सी इक्वल टू 24, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका मतलब एक आपको ट्राइंगल यहां पर दिया हुआ है, समझे हम जरा, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये पी क्यू एंड आर, ये एक ट्राइंगल है। इसमें क्यू आर जो है वो ए वैक्टर है, आर पी जो है वो बी वैक्टर है और पी क्यू जो है वो सी वैक्टर, यानी डायरेक्शन ऐसी दी हुई है। राइट, अच्छा इसमें एक और बात पता है आपको, मॉड ए इक्वल टू, मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं कि वहां हम यूज कर लेंगे 12 है, मॉड बी भी पता है 4√3 है, मॉड सी अभी नहीं पता है चल जाएगा, और आपको एक चीज और पता है बी डॉट सी इक्वल टू 24। राइट, अब ध्यान दीजिएगा जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो ये इन दो के बीच का एंगल होता है जिनकी डायरेक्शन एक तरह से सेम जा रही हो, ऐसा जा रहा हो लाइक दिस। पर अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा, देखिए ये इस तरह से ये इस तरह से, तो क्या होगा वो बताऊंगा। अब सबसे पहले देखें हम कि अगर हमें सी वेक्टर मिल जाए तो ऑप्शन ए को हम चेक कर सकते हैं। इसमें एक आंसर ऑल ऑफ दीज भी है, नन की जगह इसको डी ऑल ऑफ दीज है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज का मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑप्शन करेक्ट हुए तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम समझें कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड का सम जीरो होता है। अब बी डॉट सी दिया तो बी सी को यही छोड़ दें तो माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने एक चीज सीखी है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर। तो बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस सी वैक्टर का स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ये सीधा सीधा बी को लिख सकते हो 48, सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो प्लस 2 इनटू 24 इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 144। ये भी 48 48, तो ये सी स्क्वायर मिला 48 यानी वेक्टर सी का मॉड मिला 4√3। इसका मतलब ये भी 4√3 हुआ। राइट, अब समझिए ये दो साइड की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल भी दोनों के इक्वल ही होंगे। ये एंगल कुछ अलग होगा, क्या होगा वो देखते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करें, सी का स्क्वायर मतलब 48/2 माइनस ए का स्क्वायर माइनस मॉड ए केवल 12, तो 24 - 12 = 12, यानी ये तो आंसर करेक्ट है, ये आंसर क्या है करेक्ट है। अब बाकी के आंसर्स को और चेक करना है। अब जैसे ए डॉट बी -72 दिया, यहां पर भी ए क्रॉस बी यहां पर भी सी क्रॉस, तो अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल पता होता तो हम कर सकते थे। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, हमारे पास आसानी से हम निकाला जा सकता है। अब एक चीज बताइए, ये दोनों एंगल तो इक्वल है, मैं चाहूं तो ये एंगल निकाल सकता हूं बी और सी वाला, क्योंकि बी डॉट सी हमारे पास है, तो क्यों ना मैं बी डॉट सी लिखूं। तो बी डॉट सी कितना होगा, मॉड बी मॉड सी इन टू कॉस। अब देखिए बी और सी है, बी और सी डायरेक्शन ये इधर जा रहा है ये इधर, तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस। अब जो एंगल होगा वो एंगल निकाल सकते, तो अगर ये पी है तो ये पाई माइनस पी होगा, यस और नो, क्योंकि ये एंगल नहीं लेंगे ये लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए ये कितना है, बी डॉट सी 24, मॉड बी 4√3, मॉड सी 4√3 इंटू माइनस का कॉस पी। राइट, अब ये एक तरह से रूट 48 है, तो ये -1/2 इक्वल टू
कॉस पी यानी पी इक्वल टू 120 डिग्री, ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है, राइट right? ये 60 होगा तो 120, तो इसका मतलब अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये 30-30 ही होगा, राइट right? ये दोनों एंगल 30-30 ही होंगे। अब आपको ये देखना है, मान लीजिए थर्ड ऑप्शन चेक करें हम, ए डॉट बी माइनस 72 है कि नहीं, तो ए डॉट बी बताइए क्या होगा, ए डॉट बी होगा मॉड ए मॉड बी। ये क्वेश्चंस मैंने लिए ऐसे जो आपके इस कोर्स में इंप्रूव, अब देखिए ये ऐसे इनमें एंगल ही निकलेगा, तो इस साइड को एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल होगा, तो ये कितना हुआ कॉस 150 डिग्री। ए डॉट बी की बात कर रहे हैं, मॉड ए इज 12, मॉड बी इज 4√3 एंड दिस इज √3/2 माइनस का, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल, राइट 24 × 3 माइनस 72, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। अब हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी जरूर मैं बताऊंगा, पर इन जनरली कि हमारा जिस स्टेप पे आंसर आ जाए वहां पे आपको रुकना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। तो अब मैं बात करूंगा यहां पर कि ये हो गया, तो देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट आते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अगली चीज बोली है ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए दिस इक्वल टू 48 मॉड इसका बोला है, ये है कि नहीं करेक्ट देख लेते हैं। अब आपको ये पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, जीरो। अगर मैं इसमें ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, वेक्टर सेम हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता, तो ये जीरो हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, या ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये उधर गया तो माइनस, तो सी क्रॉस ए को चाहें तो ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, तो एक तरह से टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, तो टू टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी इंटू ए और बी का एंगल अभी आपने निकाला था 150 डिग्री, तो 2 × 12 ए मॉड ए मॉड बी है 4√3, अच्छा ये 48√3 है, तो ये 2 × 12 × 4√3 इंटू 1/2, तो 48√3, यानी ये भी करेक्ट था, ये चेक नहीं करना था पर ये कर सकते थे आप। तो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, वेक्टर का अगर फंडामेंटल कंसेप्ट यानी एलजेब्रा ऑफ वेक्टर पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का, अल्फा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 6y11 एंड बीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 4y9 वेयर द इनवर्स, मैंने शॉर्ट में लिखा, वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू देन द रॉन्ग ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कॉस बीटा ग्रेटर देन जीरो, साइन बीटा लेस देन जीरो, कॉस अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो, या ऑल, सभी रॉन्ग है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 6y11 दिया है, हम इसका अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं कैसे, अगर ये साइन इनवर्स ठीक 1/2 होता तो पाई बाई 6 मिलता, और साइन इनवर्स √3/2 होता तो पाई बाई 3 मिलता, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है एंगल वैल्यू भी बढ़ती जाती है, इसका मतलब 6y11 0.5 से बड़ा होगा तो आप बोल सकते हो कि ये ग्रेटर देन पाई बाई 6 होगा, यानी अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा, क्योंकि 3 का डिवाइड कर दिया आपने लगभग। ऐसे यहां पर अगर हम आए तो ये 4/9 है, 1/2 से छोटा है, अब ये 1/2 से छोटा है तो कॉस में उल्टा चलता है, कॉस इनवर्स 1/2 ठीक होता तो पाई बाई 3 होता, राइट इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई बाई 3 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर देन पाई बाई 3 ऐसा बोल सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज ग्रेटर देन पाई, यानी बीटा की वैल्यू लगभग ग्रेटर देन पाई है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। तो अगर हम लॉजिक से देखें कि कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट से हमने इसको सॉल्व कर दिया कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेंगी क्या होगा। अब यहां पर बताइए कॉस बीटा ग्रेटर देन 0 दिया, अगर बीटा ग्रेटर देन पाई है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ, तो आपसे रॉन्ग ही पूछा था, तो यही करेक्ट आंसर है, बाकी को भी बताता हूं कैसे। अब जैसे साइन बीटा लेस देन 0, अब देखो बीटा ग्रेटर देन पाई है तो ऑब्वियसली साइन बीटा लेस देन 0 ही होगा, ये करेक्ट है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों को जरा ऐड करिए, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ पाई प्लस पाई बाई 2 देन 3π/2, 3π/2 पे कॉस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है ये, तो ये भी करेक्ट है। तो आप इसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इसमें आपसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, तो रॉन्ग ऑप्शन हुआ ए, बाकी ये दोनों
करेक्ट ऑप्शन है।